हेलो फ्रेंड्स, एमराज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.4 है, एनसीईआरटी क्लास 10। तो समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं, क्या ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। सबसे पहले शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव उसको कहेंगे, मतलब वह परिमेय संख्या जो या तो दशमलव के कुछ अंक जाने के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाए यानी कि कट जाए, या दशमलव के बाद वो संख्या रिपीट होता जाए। तो इस प्रक्रिया को या इस प्रकार के संख्या को हम लोग शांत दशमलव कहेंगे, ठीक है। अब कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी कि भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए बनाना है। तो इसका एक फॉर्मूला है जो आप लोग को नोट करना होगा, और वो फॉर्मूला का नाम है P/2n×5m, ठीक है। जहाँ n और m बराबर 0, 1, 2, 3 .. मतलब इसके आगे भी है। तो आखिर इसको छोड़कर बाकी कोई भी इसमें परिमेय संख्या ऐसा नहीं है जो इसके फॉर्म में है। तो हमको करना क्या होगा, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लाना होगा, और इस फॉर्म में आने के बाद अगर ये 2 और 5 का गुणांक अगर आए तो वह शांत दशमलव होगा, अगर नहीं आए तो अशांत दशमलव होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 13/3125। तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3125 का। देखने से तो लग रहा है कि 5 से कटेगा, 5 6 30, 5 2 10 और 5 5 25, फिर 5 से ही कटेगा 125 बार में, 5 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, और फिर 5 से कटेगा 1 बार में, यानी कि 1 2 3 4 5 13/5 क्या गो 5 है, 5 5 पे पावर 5 आ गया, बहुत अच्छी बात है। 5 तो आ गया, लेकिन ये 2 भाई साहब इसमें नहीं है, कोई बात नहीं है, हम 2 लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं वो भी, इसमें 2 है नहीं, तो जब है नहीं तो पावर 0। अभी नहीं समझिए कि 2 पे पावर 0 है तक का वैल्यू 0, 2 पे पावर 0 किसी भी संख्या का याद रखना है कि किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, चाहे कोई अल्फाबेट पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1। तो इसीलिए हम 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं, और यहाँ गौर से देखिए आप लोग, यहाँ 0 भी लिखा हुआ है पावर में, तो हम 0 डाल दिए। अब देखना है कि क्या इस फॉर्म में है, बिल्कुल है, वोट मिटाने वाला भाई होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये इस फॉर्म में, तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 13/3125 P/2n×5m के रूप का है, इसलिए 13/3125 एक शांत दशमलव है। ये इतना लिखे इसलिए कि कभी मान लीजिए कि 2 नंबर में पूछे तो ये थोड़ा लिखना होगा, और ऑब्जेक्टिव में पूछे तो कोई बातें नहीं है, 4 गो ऑप्शन रहता है, टिक मार देना है उसमें, ठीक है। तो ये हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम एक बार लिख दीजिए, दोबारा फिर नहीं लिखेंगे, समय लगता है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब नहीं लिखिए, बैठो आराम से, चलो देखो यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन
29 बट्टा 343। अब इसका प्राइम फैक्टर करेंगे हम लोग 343 का। 1 मिनट का वीडियो हो गया, चलो तब अभी ठीक है। अभी किससे कट रहा है तो हम लोग देखने से लग रहा है 4, 3, 7, 3, 10, 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि 7 से कटेगा, क्योंकि हमको याद है, प्रैक्टिस इतना हो चुका है। आप लोग को भी अगर ऐसे चाहिए तो खूब प्रैक्टिस कीजिए, जाना है एकदम, जो भी विद्यार्थी है 10 किलो रद्दी खरीद के लाना है, ठीक है। और जिस दिन वो 10 किलो रद्दी आपने लिख कर समाप्त कर लिया, वो भी मैथ प्रैक्टिस करके, वो दिन आप मैथ सीख जाइएगा। आज ही जाइए, 10 किलो रद्दी मिल जाएगा। 7 से कटेगा, 7 चौका 28, 7 नवा 63, फिर 7 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 29 बट्टा 7 पावर 3। अब देखिए ना, यहाँ 2 है ना 5 है, तो क्या वाले है, एकदम आसान, 2 पावर 0, 5 पावर 0। ये दोनों तो हम लिख दिए, लेकिन ये 7 का है आ गया। जैसे ही दोनों के अलावा अगर कोई आ रहा है, सीधे लिखना है अशांत दशमलव। ये क्या होगा, अशांत। अशांत दशमलव का मतलब जानबे करते हैं, अशांत आदमी कैसे रहता है, एकदम भिन्न करते रहता है, वैसे ये भी भिन्न करते रहेगा। तो इसी तरह इस तरह का भिन्न अशांत होगा। आई में तो साफ ही देखने से लग रहा है, गौर से देखिए, मैं 7 पहलिए से लिख दिया है, 2, 5 तक तो ठीक था, लेकिन 7 लग दिया है, तो ये अशांत होगा, देखने से लग ही रहा। ई भाई साहब को देख लेते हैं, 17 बट्टा लिखल है 8। 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे हम लोग तो सबको याद होगा, इसको लिखेंगे 2 पावर 3। 5 नहीं है, 5 डाल देते हैं। रवि अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे, ध्यान दीजिए, इन्हें समझिएगा कि 5 पावर 0 का मतलब 0, ताकि थोड़ी देर बाद भूलने का आदत होता है सबका। फिर से बता देते हैं, 5 पावर 0 का वैल्यू 1, कोई भी अल्फाबेट पे पावर 0 है उसका वैल्यू 1। ये एक याद रख ले रहिएगा हमेशा, कहीं पूछ देता है, 9 के एग्जाम में पूछे हुआ था, सब गलती गलती टिक मार के आ गया है। क्वेश्चन पूछा था 10 पावर 0 गुने 9 पावर 0, तो सब लिख दिया 10 नवा 90। अब इतना बड़का गलती करिएगा तो एग्जाम में कोई नहीं बचाएगा। इसका वैल्यू भी होता है 1, और इसका वैल्यू भी होगा 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 2। बच्चा सब पढ़ता है लेकिन एक होता है, याद रखिए, ये सब गलती करके आते हैं बच्चे लोग। हाँ, तो देखने से तो लग रहा है कि 2 और 5 का गुणांक आ गया भाई साहब, 2 और 5, तो सीधे लिखेंगे शांत दशमलव। ज़्यादा कुछ विशेषता अब नहीं बताएंगे, इतना बता दिए हैं। अब अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, धन्यवाद।